हेलो, सेमेस्टर एक में जिनका मेन हिंदी है उनके लिए पेपर एक का प्रश्न है। माखनलाल चतुर्वेदी का संक्षिप्त परिचय देते हुए दीजिए, जिसका उत्तर होगा प्रस्तावना, जीवन परिचय, कृतित्व और निष्कर्ष के रूप में। अब हम देखते हैं प्रश्न का उत्तर। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कविता का मुख्य स्वर राष्ट्रीय चेतना जगाना है। इस धारा के सभी कवियों ने देश के नवयुवकों में राष्ट्र के प्रति प्रेम और बलिदान की भावना भरने का काम किया है। ये कवि स्वयं भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। माखनलाल चतुर्वेदी भी इनमें प्रमुख है। इनका जीवन परिचय देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के उपनाम से विख्यात है। इनका जन्म सन 1888 में होशंगाबाद जिले के भाभई नामक गांव में हुआ था। माखनलाल के पिता पंडित नंदलाल चतुर्वेदी वैष्णव धर्मी थे। घर में वे नित्य सूर और तुलसी के पद गाया करते थे। बालक माखनलाल पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। वे 8-10 वर्ष की आयु में ही पद्य रचना करने लगे थे। आर्थिक परिस्थिति न अच्छी न होने की वजह से कॉलेज की शिक्षा प्राप्त न कर सके, परंतु घर पर ही उन्होंने बंगाली, मराठी, गुजराती, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा सीख ली। आजीविका के लिए कुछ समय वे खंडवा के स्कूल में अध्यापक रहे थे। बाद में माधवराव सप्रे के संपर्क से कर्मवीर नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिससे उनकी ख्याति बढ़ी। धीरे धीरे साहित्य क्षेत्र में उनकी ख्याति बढ़ती गई। वे कवि के उपरांत उच्च कोटि के नाट्यकार, कहानीकार, पत्रकार, आलोचक, चिंतक, वक्ता और भक्त कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। चतुर्वेदी जी की प्रारंभिक कविताएं एक भारतीय आत्मा और वनवासी के नाम से प्रकाशित हुई थी। बाद में अपने नाम के साथ एक भारतीय आत्मा नाम उपनाम जोड़कर खुलकर काव्य के मैदान में आ गए। उनके कृतित्व को देखें। माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि है। सच्चे देशभक्त एवं क्रांतिकारी थे। उनके नाम अपने उपनाम एक भारतीय आत्मा के समान सच्चे भारतीय थे। राष्ट्रीयता के सच्चे उपासक और मानव धर्म के संपर्क कवि थे। देश को नवीन प्रेरणा एवं चेतना प्रदान करने में वे सबसे आगे थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसके कारण उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा था। वे एक निडर क्रांतिकारी कवि थे। चतुर्वेदी द्वारा रचित कविताएं हम किरीटिनी और हम तरंगिणी काव्य संग्रह में संकलित है। चतुर्वेदी जी की कविताएं उनके जीवन के स्वानुभव पर केंद्रित है। उनकी अधिकांश कविताएं राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रोत है। इनकी कुछ रचनाओं में छायावादी प्रभाव भी मिलता है। चतुर्वेदी जी की कविता में युवकों के को राष्ट्रहित के लिए प्राण न्योछावर कर देने का आह्वान मिलता है। बलिदान की भावना के प्रबल सर इनमें गूंजते सुनाई पड़ते हैं। वे मातृभूमि के स्वाभिमान के लिए शहीद हो जाने वाले वीर युवकों को अपना आदर्श मानते हैं। त्याग, आदर्श और कर्तव्य पालन कवि की कविता के मूल तत्व है। इसके उपरांत नारी का महिमा मंडित चित्रण एवं क्रांति के स्वर स्वर चतुर्वेदी जी की कविताओं में मिलते हैं। उनके माता काव्य में एक माँ के वात्सल्यमय चरित्र को अत्यंत मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया गया है, तो हिम किरीटिनी की समस्त कविताएं मातृभूमि को लेकर रची गई है। कैदी और कोकिल उनकी एक अत्यंत लोकप्रिय कविता है, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों का चित्रण करते हुए क्रांतिवीर ने की और
देश की बलिदान वेदी सॉरी बलि वेदी पर अपने प्राण नौछावर कर देने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। कवि को अपनी मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा है। उनका कहना है कि हमें अपनी मातृभूमि के लिए उसके गौरव के लिए अपने आप को महान बनाना पड़ेगा। उनका सच्चा सपूत तो वही होगा जो मातृभूमि के गौरव के लिए ही जीता और मरता है। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि माखनलाल हिंदी काव्य जगत के चमकते हुए सितारे हैं। उनका आंतरिक और बाह्य जीवन क्रांतिकारी रहा है। स्वदेशाभिमान, राष्ट्र गौरव एवं त्याग और बलिदान की भावना से परिपूर्ण उनकी देश प्रेम की कविता ने तत्कालीन भारतीय युवकों में क्रांति एवं विद्रोह की भावना को जगा दिया था। वास्तव में एक सच्ची भारतीय आत्मा थे वे।